हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन गुरुजी। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 30, जिसमें कुल क्वेश्चन है 30। तो आपको भी साथ के साथ इनके आंसर देना है और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी ना हरियाणा जीके की तैयारी पता लग जाएगी कि आपकी हरियाणा जीके की तैयारी कितनी है और आपको कितनी और तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगी 2 सेकंड। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर कितने अभिलेख हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 8, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लाओस देश के राजा देवंका ने किस स्थान की महिमा लिखी? तो इसका आंसर क्या आएगा, कुरुक्षेत्र, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो ये कहाँ से हुई थी, ये हुई थी सोनीपत से, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस स्थान से यौधेय गणराज्य की मोहरें प्राप्त हुई? तो ये कहाँ से हुई, ये हुई नौरंगाबाद से, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न को सुमेलित करें, फीजेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? ये है मोरनी में, रेड जंगल पिंजौर में, मगरमच्छ भोर में, और चिंकारा कहाँ पे है, केरू में। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 3 2 1, यानी आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौर्य कालीन स्तूप व उसके अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए? तो ये कहाँ से हुए, ये हुए थे हिसार और फतेहाबाद से, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बलराम की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो ये कहाँ से हुई थी, ये हुई थी रोहतक से, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए? ये कहाँ से हुए थे, ये हुए थे खोखरा कोट से, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंबाला के निकट टोपरा से प्राप्त स्तंभ कौन सा है? तो ये कौन सा है, ये है अशोक कालीन, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस पुराण में किया गया है? तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बावन पुराण, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा के थानेसर से 25 किलोमीटर पश्चिम में कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल स्थित है, जिसको हरियाणा और समीपवर्ती क्षेत्रों में वही स्थान प्राप्त है उसके जो पूर्व में गया तीर्थ को है? तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा पेवा, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा नामक धार्मिक स्थल के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा श्री स्वामी विशुदानंद महाराज, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुरुक्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गिरी संप्रदाय के सिद्ध फकीर बाबा शिवगिरी महाराज द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा लक्ष्मी नारायण मंदिर, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरियाणा में हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट कौन से सन में लागू किया गया था? तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1998, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिला भिवानी में किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर मिलता है? तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, यह कुरुक्षेत्र के पवित्र कुपों में से एक है? तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा चंद्रकूप, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का श्री गणेश किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा भक्ति काल, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसकी जलधारा सरसैया पर पड़े विषम पितामह के मुख में पहुंचती है? तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बाण गंगा, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा जी किस स्थान पर प्रकट हुए थे? तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा कमलनाभ तीर्थ, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, भाडावास का युद्ध कब हुआ? तो ये कब हुआ, ये हुआ था 1789 में, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, शीशे वाली मस्जिद किस जिले में है? तो ये कहाँ पे है, ये है रोहतक में, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, महाराज जन्मेजय ने अपने पिता प्रशिक्षित की सांप के काटने से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प दमन यज्ञ कहाँ किया था? तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सफीदो, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, बाबा शाह कमाल की मज़ार कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पे है,
ये है कैथल में। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर आएगा बाबर ने। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, गुरुद्वारा मंजी साहिब हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? कैथल में। आंसर सी। देखो, एक मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल में है और एक अंबाला में भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है, तो ये कौन होता है? ये होता है राज्यपाल। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रसिद्ध उर्दू शायक अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हरियाणा राज्य के किस जिले में हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था पानीपत में। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? तो इसका आंसर आएगा यमुनानगर। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, हरियाणा में नीलो खेड़ी के अतिरिक्त निम्न में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा करनाल। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्य सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना आरंभ की गई, तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 2004 में। आंसर ए। और अगर आप HSSC के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने HSSC के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए 200 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रखी हैं, चाहे वो आपका हरियाणा डी ग्रुप का एग्ज़ाम हो, या हरियाणा पुलिस का हो, या लैब अटेंडेंट का हो, यानी कोई भी एग्ज़ाम हो जो HSSC से रिलेटेड है, उसके लिए हमने 200 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रखी हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो आप अब जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे एजुकेशन गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।